हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हो कि अब ये जो टाइम चल रहा है पूरा का फरवरी से मार्च तक जो है बीएड के एग्जामिनेशन का टाइम आ चुका है, स्पेशली सेमेस्टर एग्जामिनेशन का। तो एक और यूनिवर्सिटी है जिसने अपना जो है डेट अनाउंस कर दिया है एग्जामिनेशन को लेकर के। पहले भी डेट आया था लेकिन ये पोस्टपोन कर दिया गया था। अब फाइनली जो है डेट दे दिया गया है कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन जो है कब से होने वाला है। तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी है आइए जानते हैं, और कब से एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा, डिस्क्रिप्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, ये डिटेल्स हम जानेंगे इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये यूनिवर्सिटी और कोई नहीं, पूर्वांचल है। पूर्वांचल में एक बार और डेट आया था लेकिन उसको जो है पोस्टपोन कर दिया गया था। अब ये डेट फिर से पूर्वांचल यूनिवर्सिटी ने दिया है। फ्रेंड्स, पूर्वांचल की अगर आपको तैयारी करनी है और अभी तक आपने नोट्स या कुछ भी जो है प्रिपेयर नहीं किया है तो आप जो है हमारे चैनल से नोट परचेस कर सकते हैं। पूरे चारों पेपर का जो है नोट्स कंप्लीटली बनाया गया है और साथ साथ में हम लोग जो है आपको इन पूरे चार पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक वीडियो बहुत जल्द ला करके देंगे, जिससे कि आप लोगों को प्रिपरेशन करने में जो है इजी हो जाएगा। तो नोट्स परचेज करने के लिए जो आपको नंबर दिया गया है उसी पे आपको मैसेज करके करना है, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि इसी चैनल पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलेंगे। मैंने आप लोगों को दो बार तीन बार भी बताया था कि पूर्वांचल अक्सर जो है मार्च में ही एग्जामिनेशन लेती है सेमेस्टर का। तो देखो यहाँ पे डेट भी वही है, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन का देख लीजिए। टाइमिंग सबसे पहले देख लो, 1:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक है आपका टाइमिंग। इसका मतलब 3 घंटे का एग्जामिनेशन, कितने घंटे का है, 3 आवर्स का एग्जामिनेशन हुआ। तो 3 आवर्स का एग्जामिनेशन मतलब डिस्क्रिप्टिव पैटर्न है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि इसका पैटर्न क्या है, डिस्क्रिप्टिव है। आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव का पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा पूर्वांचल के लिए। अब आते हैं कि स्टार्ट कब से है एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन जो है 11 मार्च से स्टार्ट है, देख सकते हो आप पे सैटरडे है, और आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर का यानी 101 जो है आप लोग का कोड चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप वो रहेगा, ठीक है। पहला पेपर जो है आप लोग का 11 तारीख से है, 11 मार्च से है, और इसका टाइमिंग आपको बता दिया गया। नाउ फिर उसके बाद सेकेंड पेपर अगर आप देखोगे तो सेकेंड पेपर का टाइमिंग जो है आपको 14 मार्च दे रहा है, यानी कि गैप दिया गया है। 14 मार्च ट्यूजडे का टाइम है और ये आप लोग का 102 है जो कंटेम्प्रेरी है। तो कंटेम्प्रेरी के लिए आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा, एक संडे और एक मंडे। फिर नेक्स्ट आप लोग का 16 को दिया गया है, 1 डे गैप है, और इसमें आप लोगों का जो है जो लर्नर एंड लर्निंग एंड टेक्नोलॉजी है वो रहेगा। तो ये थर्ड पेपर आप लोगों का हुआ। फिर नाउ लास्ट आप लोग का 20 को है, फिर मंडे को है, टाइमिंग आप लोग को अच्छा दिया है सब इसमें। तो ये 104 आप लोग का पेपर है, अधिगम का आकलन असेसमेंट ऑफ लर्निंग। जैसे जानते ही हो कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर है ही, तो इसको टाइमिंग आपको अच्छा सा मिल गया है। तो ये आप लोगों का बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो है एग्जामिनेशन का डेट आ चुका है। अब इसके अलावा हम थोड़ा सा देख लेते हैं थर्ड सेमेस्टर को लेकर के भी कि उसका टाइमिंग क्या है। तो थर्ड सेमेस्टर का आप देखिए टाइमिंग जो है 9 बजे से 12 बजे तक के लिए है, और इसमें 2 ही पेपर आप लोग का होता है जैसे जानते हो। ये जो है 1 मार्च से स्टार्ट है, और पहला है क्रिएटिव इंक्लूसिव एजुकेशन, एंड 3 मार्च को दूसरा आपका पेपर जो मिलेगा वो है आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। तो इस तरह से पूर्वांचल ने जो है पूरी तरीके से डेट अनाउंस कर दिया। अब आपको लास्ट प्रिपरेशन करना है पूर्वांचल के लिए। जो है हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे इंक्लूड है, सभी सब्जेक्ट के, एक सब्जेक्ट के नहीं, पूरे के पूरे आपके 4 पेपर के जो है इंक्लूडेड है। तो वो वीडियो जा करके देख लीजिएगा, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप जरूर करके जाइएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।